कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे भारत में बढ़ता जा रहा है। जहां ये सरकार के लिए एक नया सिरदर्द तो बनता ही जा रहा है, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री के बाद अब कोरोना का असर आईपीएल पर भी पड़ गया है, जिस कारण अभी किसी को भी ये नहीं पता कि इस साल देश में आईपीएल होगा कि नहीं। मगर इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडियन प्रीमियर लीग 13वें सीजन में विदेशी खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी ऑटो फ्रेंचाइजी बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। बता दें 31 मार्च तक भारत में आने वाले सभी विदेशियों को 14 दिन के लिए अलग रखा जाएगा, जिसके लिए सभी टीमें तैयार हो गई हैं। फिलहाल 15 अप्रैल तक आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। आईपीएल को लेकर एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि हम भारत के निर्देश अनुसार विदेशी खिलाड़ियों को अलग रखने के लिए तैयार हो गए हैं, मगर इसके बाद भी भारत सरकार जैसे निर्देश देगी हम उन पर अमल करेंगे। वहीं इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड पहले ही अपने देश के खिलाड़ियों को हेल्थ एडवाइजरी जारी कर चुका है, जिसमें कहा गया है कि आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ियों को अपने निर्णय पर एक बार सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी विदेश से आने वाले खिलाड़ियों को 14 दिन आइसोलेशन में रखने की बात कही है। लेकिन फिलहाल आईपीएल को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह कोरोना भारत को अपनी चपेट में ले रहा है, उसके बाद सब कुछ उस समय की स्थितियों पर निर्भर करेगा कि आईपीएल खेला जाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।